स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों आज हम जिस वैकेंसी के बारे में बात कर रहे हैं वो है रेलवे। हाँ जी सही सुन रहे हैं, रेलवे में निकली है 447 पदों के लिए भर्तियां। तो अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो जल्दी करिए, क्योंकि ये भर्तियां जो निकली हैं ये ईस्ट सेंट्रल रेलवे की रिक्वायरमेंट्स हैं, जिसमें करीब 447 पदों पर भर्तियां निकली हुई हैं। तो अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, अगर रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, तो इन फॉर्म को जरूर भरें। जैसे कि इसमें जो योग्यता, अब बहुत सारे लोग जानना चाह रहे होंगे कि इसमें कितना एजुकेशन चाहिए, तो मैं आपको बताना चाहूंगा जो योग्यता मांगी गई है वो मांगी गई है 10वीं पास और 12वीं पास। अगर आप 10वीं पास हैं या 12वीं पास हैं तो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा ये जो वैकेंसी है ये मेरिट के आधार पर उठेगी, इसमें कोई भी एग्जाम नहीं होगा ऑल इंडिया, मतलब आपकी केवल जो मेरिट के आधार पे आपको सिलेक्शन इसमें मिलेगा। साथ ही साथ आप बहुत सारे लोगों के अब ये भी रिक्वायरमेंट होती है कि सर उसमें ITI होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, मैं आपको बताना चाहूंगा इसमें ITI की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप ITI नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसे इस फॉर्म को आवेदन कर सकते हैं। अगर केवल आप 10वीं या 12वीं केवल पास हैं तो इसको इस फॉर्म के लिए जरूर आवेदन करिए। अब साथ ही साथ बहुत सारे लोगों की रिक्वायरमेंट्स आ जाती है, सर कि क्या क्या मांगा गया है, क्या क्या इसमें नहीं मांगा गया है, उसको उसकी मुझे जानकारी दीजिए। तो मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि देखिए यहाँ पे नेम ऑफ पोस्ट, इसके बारे में सबसे पहले बात करेंगे कि किस किस पोस्ट पे निकली है भर्तियां। तो देखिए गाइस, सबसे पहले जो यहाँ पे आपको पोस्ट दिखा दूं मैं, वो निकली हुई है, देखिए ये JECA फिल्टर टेक्नीशियन, चौकीदार और चपरासी, ये आप देख ही रहे हैं, ये देखिए लाइनमैन, ये सारी जो भर्तियां हैं फिटर की, जो सारी भर्तियां निकली हुई हैं। और ये जो टोटल वैकेंसी है जो ये देख रहे हैं आप, टोटल वैकेंसी ये है 447 पर। सैलरी जो इसमें रखी गई है मैं आपको बताना चाहूंगा, विज्ञापन ये देखिए सैलरी जो इसकी होगी वो होगी करीब 37,400, जो कि बेसिक पे है अप्रॉक्स। तो यहाँ पे जो जॉब लोकेशन आप देख ही रहे हैं एसोसिएट अक्रॉस इंडिया, पूरे इंडिया में दी गई है। जो इसकी डेट है स्टार्टिंग डेट वो 30/1/2020 थी, और इसकी जो लास्ट डेट है मैं बताना चाहूंगा दोस्तों, जो इसकी लास्ट डेट पे जरूर गौर करिएगा, लास्ट डेट है, क्लोज डेट है 20, आप देख ही रहे हैं 20/2/2020, मतलब यही 20 फरवरी इसकी लास्ट डेट है। तो अगर आप ने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है तो जल्दी से अप्लाई करिए अगर आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो। सर अब इसके लिए बहुत सारे लोगों के मेरे पास मैसेजेस आए हैं लास्ट पहले वीडियो में कि सर योग्यता के बारे में मुझे अच्छे से डिफाइन करिए। तो योग्यता के बारे में सबसे पहले डिफाइन करता हूँ, ये देखिए जो भर्ती के लिए योग्यता मांगी गई है वो मांगी गई है 8वीं पास, 10वीं पास, IIT, मैं आपको दिखाना चाहूंगा स्लाइडर के थ्रू भी, देखिए 8वीं पास, 10वीं पास, 12वीं पास और IIT है तो IIT, डिप्लोमा है तो डिप्लोमा, स्नातक है तो ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएट उत्तीर्ण होना जरूरी है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा जॉब के लिए जो आयु सीमा है वो रखी गई है, यहाँ आप देख ही सकते हैं 18 से 40 वर्ष। साथ ही साथ अब आता है कि सामान्य वर्ग के या अन्य पिछड़े वर्ग ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ पे जितने भी लोग हैं ये सभी के लिए भर्तियां हैं और आप इन भर्तियों का लुत्फ़ उठा सकते हैं और जल्दी से जल्दी फॉर्म भर सकते हैं। और जल्दी करिए क्योंकि 20 तारीख लास्ट डेट तो कि निकल ना जाए। अगर आपके फ्रेंडों को भी नहीं पता है तो फ्रेंडों को भी शेयर करिए इस भर्ती के बारे में। तो दोस्तों जैसे कि हमेशा मैं आप लोगों को बताता रहता हूँ कि ऐसी भर्तियों के बारे में जो लास्ट डेट या कब फॉर्म निकले, अगर आपको ऐसी अपडेशन के बारे में जानना है डेली की, अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पे आपको हर एक भर्ती के बारे में यहाँ पे हमेशा अपडेट मिलता रहेगा। तो नोटिफिकेशंस के लिए अगर आप नोटिफिकेशंस चाहते हैं तो फटाफट मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू सो मच गाइज, मिलते हैं कोई नेक्स्ट।